भागवत पुराण दशम स्कंद 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार का वर्णन। भागवत पुराण दशम स्कंद 90वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पात के पात वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वह जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उसका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के साथ एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों के महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले पीले श्वेत लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुज पाशों में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं वंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाने लगते हैं। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर्क कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और जुड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतमा का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ गया जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर के रंग से
रंग जाती। विहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके या साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हाथियों से घिर कर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतार कर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित भगवान इस प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल बातचीत चितवन मुख कान मुस्कान हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्त वृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही ना होता। परीक्षित रानियों के जीवन सर्वस्व उनके साथ उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक तो चुप हो रहती और फिर उन्मुक्त के समान असंबद्ध बात कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमानंद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और ना जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियाँ कहती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है। संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृत सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है। परंतु हो ना हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो। तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गए। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम्हारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयक्षमा हो गया है। इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी के चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलया नील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ
तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम का प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घन श्याम से नाता जोड़ना, घर बैठे पीरा मोल लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विहर से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचारक विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो, जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत सी शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी नदियों या ग्रीष्म ऋतु है तुम्हारे झुंड समुद्र पत्नी नदियों या ग्रीष्म ऋतु है तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठे हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है। आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाते। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमने हमसे बात कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी के साथ ना ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हमसे कोई एक भी वैसी नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसे ही अनन्य प्रेम भाव रखती थीं, इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इधर मधुर इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, क्या
खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की। उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि धर्म ही घर दिखला दी कि घर ही धर्म अर्थ काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे यह कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियाँ थीं उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्रदानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपनी नानी के पोते से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत सी संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पबाहु, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसे स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एक एवं आदर्श मानते थे।
जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने बैठने घूमने फिरने बोलने खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी शुद्धि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है। परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। वह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रजवासियों और पूर्व स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो। परीक्षित प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीलाओं कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करने लगता है तब उनकी यह भक्ति उन्हें भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राट ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्यों को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त। हरि ओम तत्सत्। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।